हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पिंक ग्लो चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाना मत भूलिए। ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुफ्त में पाने के लिए। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं और यह सोच रही हैं कि हर महिला की प्रेगनेंसी और उसके लक्षण एक समान होते होंगे, तो आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हर महिला की प्रेगनेंसी सिम्टम्स और अनुभव एक समान हो, क्योंकि हर महिला के शरीर की अलग अलग प्रक्रिया होती है और यही कारण है कि हर एक महिला की प्रेगनेंसी के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। 30% महिलाओं का मानना है कि पीरियड्स ना आना प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। वहीं 25% महिलाएँ ये मानती है कि उल्टी होना या मतली आना प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। वहीं 15% महिलाएं ये सोचती है कि स्तनों में बदलाव आना प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। वहीं 3% महिलाएं ब्राउन कलर का ब्लीडिंग आना प्रेगनेंसी के लक्षणों के शुरुआती लक्षण मानती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। आप शरीर में कुछ बदलाव को देखकर पता लगा सकती हैं, जिससे कि 100% श्योर हो जाएंगी कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं और गर्भ ठहरा या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में कई मानसिक बदलाव होते हैं और ये बदलाव हार्मोन्स में बदलाव के कारण होते हैं। ऐसे में शरीर में काफ़ी थकान महसूस होती है। प्रेग्नेंसी के शुरुआत में महिलाओं में थकान की परेशानी देखने को मिलती है। कभी कभी महिलाओं के लिए थकान का होना प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकते हैं। पीरियड्स का नहीं आना यानी पीरियड्स रुक जाना, ये प्रेगनेंसी के आम लक्षणों में से एक लक्षण है। इसलिए अगर आपके पीरियड्स नियमित रूप से आते हैं, लेकिन आगे कभी अगर आपकी पीरियड्स देर से आए या मिस हो जाए, तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि पीरियड्स का मिस हो जाना प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के शुरुआत में ज़्यादा उल्टी या मतली आने लगती है। यह समस्या ज़्यादातर सुबह के समय होता है और यह प्रेगनेंसी के पहले या दूसरे महीने में ज़्यादा देखने को मिलती है और यह प्रेगनेंसी के 6 महीने तक रहती है। पर कभी कभी महिलाओं को उल्टी की समस्या पूरे प्रेगनेंसी के दौरान रहती है। उल्टी या मतली का आना भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। कुछ महिलाएं गर्भधारण के वक्त पीठ या कमर में दर्द से परेशान रहती है। अगर आपको कभी भी कमर में या पीठ में दर्द हो रहा है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करा लें। पीठ या कमर में दर्द का मतलब है कि आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है और यह प्रेगनेंसी के कारण आ सकता है। गर्भ ठहरने के बाद आपके शरीर में काफ़ी बदलाव आता है, जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है, जिससे पीठ या कमर में हल्का हल्का दर्द हो सकता है। पीठ में या कमर में दर्द होना भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। कभी कभी जब महिला का शरीर गर्भधारण करने की क्रिया में रहता है, तब उन्हें हल्की ब्राउन कलर की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने लगती है और ऐसे में महिलाओं को लगता है कि उनके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप भी स्पॉटिंग की समस्या से गुजर रही हैं, तो एक बार प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि ब्राउन कलर का स्पॉटिंग भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है और ये लक्षण है कि आप मां बनने वाली हैं। कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप खुद पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, जैसे आपके खाने में बदलाव आना। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते में प्रेग्नेंट महिला को खाने के प्रति रुचि कम होने लगती है, उन्हें खट्टा खाने का मन होने लगता है या तीखा या चटपटा खाने को मन होते रहता है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हर एक महिला के साथ ऐसा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी महिला को इसका उल्टा होता है, क्योंकि उन्हें भूख ज़्यादा लगने लगती है। कई बार तो महिला को आम दिनों में जो चीज़ें खाने को पसंद होती थी, वो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नहीं लगने लगती है और जो आम दिनों में खाने की चीज़ें पसंद नहीं आती थी, वो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें अच्छी लगने लगती है।
यह भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला की सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है और उन्हें किसी भी चीज की गंध बहुत ज़्यादा लगने लगती है। एक्चुअली ये हार्मोन्स में चेंजिंग होने के कारण होता है। खराब या बुरी चीज़ों का स्मेल उन्हें विचलित कर देता है। ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। कुछ महिलाओं को कब्ज या पेट फूलने की समस्या शुरू हो जाती है, जिस कारण उन्हें कब्ज की शिकायत होने लगती है। ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं के व्यवहार और मूड में कई बदलाव होते हैं। एक पल में खुश होना और दूसरे पल में दुखी हो जाना या चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सारे बदलाव शरीर में हार्मोन के बदलाव के कारण होते हैं। व्यवहार में बदलाव और मूड स्विंग का होना भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में महिला को बार बार पेशाब आने की समस्या से गुजरना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में अधिक तरल पदार्थ बनते हैं, जिससे उन्हें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, यानी सांस लेने में भारीपन महसूस होना। ऐसा इसलिए होता है कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास हो रहा होता है और शिशु को ऑक्सीजन की जरूरत होने लगती है। इसलिए अगर सांस लेने में भारीपन महसूस हो तो ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं। गर्भावस्था में महिलाओं के स्तन में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि हार्मोन्स चेंजिंग हो रहे होते हैं। अगर स्तनों के आकार में चेंजिंग आ रहे हैं और निप्पल के आसपास के हिस्से, जिसे एलोरा कहते हैं, उसमें कालापन दिखने लगे, तो ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेट में ऐंठन की समस्या अगर आपको हो रही है तो ये भ्रूण के साइज के बढ़ने के कारण होता है। अगर आपको हमेशा सर में दर्द और इससे पहले आपको सर के में दर्द की समस्या नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी कुछ दिनों से सर में दर्द की तकलीफ हो रही है, तो आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण हो रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं। कोई भी दवा खाने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि कोई भी पेन किलर खाने से शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण थे, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।